नमस्कार, ई सेवन हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार। कैंट विधानसभा में वालिया वेटिंग पॉइंट में अनेक दलों से सैकड़ों लोगों ने दिल्ली के विधायक प्रवीण कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय एसएस प्लेयर के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को सदस्यत्व का ग्रहण की। योगेंद्र सिन्हा व उनके टीम के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। पेश है ई सेवन से अखिल अहमद खान की एक रिपोर्ट। किस तरह के देखते हैं इसका विधायक जी, कैसे देखते हैं आज? जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा 5 साल रही, फिर अभी भाजपा की सरकार चल रही है, पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन पूरे उत्तराखंड में चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, बदला कुछ नहीं है। दोनों सरकारों ने मिलकर जो है यहाँ के युवाओं को ठगा है, यहाँ के युवाओं को परेशान किया है। इसी के मद्देनज़र युवा परेशान होकर आज उनके दिल्ली के युवा मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी आंखों में उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में ये चारों चीज़ों की हालत जो है बहुत बदहाल है, बहुत दिक्कत है। मैं पहाड़ों से लेके अभी तक यहाँ पे तराई क्षेत्र तक ट्रैवल कर रहा हूँ। पिछले 4 दिनों में मैंने देखा यहाँ पे लोग बहुत संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं और लोगों के पास जहाँ पे गंगा जैसी नदी है, जमुना जी जैसी नदी है, जो पूरे हमारे पूरे देश भर को पानी सप्लाई करती है, देश भर को बिजली सप्लाई करती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को उन नदियों का पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके घर में उन नदियों का पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दुखी बात है। और बिजली की अगर बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा कहीं हैं तो उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा बिजली कहीं पैदा होती है तो उत्तराखंड में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में जो बिजली का हाल है, जो बिजली के रेट्स हैं, जो बिजली के सप्लाई है, वो बहुत दुखद है। जो प्रदेश जो है पूरे देश भर में पावर सप्लाई कर सकता है और वहीं अगर पावर इतनी महंगी है, वहीं अगर बिजली इतनी महंगी है, दिल्ली के बिजली के बिल सस्ते हैं, उत्तराखंड के बिजली के बिल महंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरी रावत सरकार की पूरी तरीके से साठगांठ है इन बिजली कंपनियों के साथ। और अगर मैं रोज़गार की बात करूँ तो उत्तराखंड में जितने युवा हैं इस समय, युवा इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। आपने अभी एक हंसी जी का भी एक मैटर सुना होगा कुछ दिन पहले, आप सारे प्रेस के भाइयों ने कवर किया था। ऐसी पढ़ी लिखी जो है जो कॉलेज में एक उपाध्यक्ष के पद पर रही हैं, ऐसी पढ़ी लिखी डबल एम ए जो बच्ची है, जो छात्र हैं, वो इस समय जो है इस तरीके से मजबूर हैं सड़कों पे अपना जीवन यापन करने के लिए। तो बहुत मजबूरी में पूरे इस पूरे प्रदेश का युवा है। आज गजेंद्र आज चौहान जी ने यहाँ पे जो है सदस्यता ग्रहण करी है और इन्हीं की तरीके से और जितने यहाँ पे युवा हैं, हम सारे युवाओं को आह्वान करते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक उत्तराखंड के लिए होप है। जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने एक तरीके से उनकी उम्मीद के किरण को वहाँ पे सेटिस्फाइड किया, उनकी जो बाकी दिल्ली की जनता को जिस तरीके से सुविधा मुहैया कराई, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के रह रहे बुजुर्गों को हर तरीके से सुविधा यहाँ पे उत्तराखंड में उपलब्ध कराएंगे, ताकि यहाँ के जो उत्तराखंड के रिसोर्सेस है वो असलियत में यूटिलाइज हो सके और उत्तराखंड के लोगों को मिल सके। विधायक जी, आपने सवाल किया कि ये आपने भ्रमण किया, रास्ते में देखा पहाड़ की जिंदगी है, तो नेचुरली आपको पता है कि पहाड़ में उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ की जिंदगी तो नॉफिशियल बात है, तो क्या माने कि आपके आने से पहाड़ की जिंदगी खत्म कर देंगे आप? जिस तरीके से पहाड़ पे जो रिसोर्सेज हैं, पहाड़ में पानी है, पहाड़ में बिजली पैदा हो रही है, लेकिन असलियत में उसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? पहाड़ के लोगों को मिलना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन असलियत में वो उसका फ़ायदा जो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं लेकिन पावर प्रोजेक्ट में जॉब किसको मिल पा रही है? उत्तराखंड के लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे डैम बनाने की प्रक्रिया चलती है, बहुत सारी ऐसे नई नई चीज़ें चलती है जहाँ पे उत्तराखंड का युवा जो है अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, अपने आप को अनएम्प्लॉयड महसूस कर रहा है। यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे चौहान जी जैसे और जितने युवा साथी हैं, उन सारे युवा साथियों का हम आह्वान करना चाहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी इस समय ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी हर तरीके से उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया, दिल्ली में जिस तरीके डेवलपमेंट किया, उसी तर्ज पर उत्तराखंड के